आज है 3 सितंबर और 2 सितंबर को यहाँ पर पबजी बैन हो चुका है। और हुआ क्या कि मैंने 2 सितंबर की मॉर्निंग में इसका रिव्यू फाइनल कंप्लीट कर लिया था शूट वर्ड वगैरह के साथ में, और दोपहर के बाद पबजी बैन आ चुका था। तो यहाँ पर जो मैंने रिव्यू किया था, जो शूट किया था, वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है और रात को अभी मैं 2 बजे वीडियो फाइनल कर रहा हूँ। सो यहाँ पर आपको मैं ये बताऊंगा कि आईफोन XR का जो A12 बायोनिक चिप है वो कितना पावरफुल है, उस हिसाब से सारी बातें यहाँ पर करेंगे। और गाइज, अगर छोटा सा सपोर्ट अगर दिखा सकते हो तो प्लीज दिखा देना, वीडियो का जो लाइक का टारगेट है उसे कंप्लीट कर देना। माने कि मैं मानता हूँ यहाँ पर पबजी बैन हो चुका है और मैं वीडियो ला रहा हूँ, बट स्टिल अभी तक मैं जब रात को शूट कर रहा हूँ तो स्टिल अभी भी पबजी मुझे प्ले स्टोर पे देखने मिल रही है। और लेट्स सी, मेरे हिसाब से 1-2 दिन के अंदर ये रिमूव हो जाएगा। बाकी प्ले जैसे टिकटॉक का भी 2-3 दिन लगा था प्ले स्टोर से रिमूव होने के लिए, तो सेम यहाँ पर भी इसे टाइम लगेगा 1-2 दिन रिमूव होने के लिए। तो यहाँ पर पबजी अपना 2.0 एंगल लेकर आ रहा था जिसमें अल्ट्रा HD का भी ऑप्शन ऑन कर दिया गया। मैं वीडियो शूट भी कर चुका था ROG 3 के अंदर भी और बाकी अदर डिवाइस के लिए भी मैं शूट कर चुका था, पर अभी मैं उन वीडियो को पब्लिश नहीं करूंगा। जो हुआ सो हुआ, अब जो होगा आगे देखा जाएगा और आगे हम अलग टाइप के कंटेंट क्रिएट करेंगे जैसे आपको मैं बता चुका हूँ। सो यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा कि हम यहाँ पर जो फोन है खुद से परचेस करते हैं, कोई फोन सेंडमेंट करते नहीं है, तो हम लोग खुद परचेस करते हैं। तो यहाँ पर इसका 45,000 रुपीज हमने यही सोच के डाला था कि ताकि मल्टीपल वीडियोस निकालेंगे और आप लोगों के पास सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो यहाँ पर अभी बात करते हैं आईफोन XR के अंदर पबजी किस तरीके से चल रही है। सो गाइस, यहाँ पर A12 बायोनिक चिप के साथ में आईफोन XR के अंदर पबजी स्टिल बहुत बेस्ट चलती है, मतलब कोई किसी भी तरीके का लैग नहीं, कुछ भी नहीं। लाइक HDR 60 FPS में भी इसे मैं रन कर दूं ना तो भी भाई एक नंबर चल जाता है, कहीं भी फ्रेम ड्रॉप कुछ भी नहीं देखने मिला मुझे। मैं बहुत बहुत मल्टीपल जगह पे जाके आ चुका, कहीं 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 अलग 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 जगह पे जाके आ चुका था, बट स्टिल आईफोन XR के अंदर मुझे कहीं भी फ्रेम ड्रॉप, फ्रेम लैग, हॉट ड्रॉप, कुछ भी ऐसा जो वर्ड्स होते हैं वो कहीं नहीं दिखा। मतलब एज अ पीस ऑफ हार्डवेयर आईफोन XR क्या सही फोन है। सो यहाँ पर कुछ गेम प्ले देख लो कि किस तरीके का गेम प्ले देखने मिलता है आईफोन XR के अंदर। HDR एक्सट्रीम के अंदर खेलेंगे, कलरफुल और बाकी जितनी सेटिंग्स मैंने हाई कर सकता सारी मैंने हाई करके रखी हुई है, एकदम जायरोस्कोप भी हमने फुल हाई करके रखा हुआ है और यहाँ पर साथ में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन करके रखी हुई है। और भाई यहाँ पर जो लाइटिंग देखो भाई, क्या लाइटिंग आ रही है HDR के अंदर आईफोन XR के अंदर। A12 की बायोनिक चिप आती है फोन के अंदर, मैं इसके अंदर बहुत सारे गेम प्ले करके आ चुका हूँ और भाई किसी भी सेटिंग में चला लो आईफोन XR को भाई सब में एक नंबर चलता है बिना किसी प्रॉब्लम के। सो यहाँ पर TDM के अंदर मैंने HDR के अंदर गेम प्ले किया था, इरांगल के अंदर भी हमने गेम प्ले किए और भाई सब जगह आराम से 60 FPS को हैंडल कर पाता। और यहाँ पर टच की बात करें तो टच में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आईफोन XR के अंदर, और साथ में जायरोस्कोप तो भाई एक नंबर काम करता है। और बाकी रियल लाइफ में आप टेस्ट देख सकते हो कि FPS काउंटर किस तरीके का है, सब कुछ चीज़ें हैं। सो जब यहाँ पर इसकी प्राइसिंग कम हुई थी तो यहाँ पर हमने इसे परचेस किया था 45,000 रुपीज़ की नियर बाई से हमने परचेस किया। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है ये, अरे उतार दिया, भर दिया, यहाँ पर नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पर एक ग्लाइड जो है ग्लाइड एक्सेस इसको ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी ये जो पार्ट है नोटिफिकेशन नीचे आने वाला पार्ट वो नहीं होगा। क्वालिटी की बात करूँ एंड ऑफ द डे एकदम कंसोल लेवल का लगता है कि एकदम भाई एकदम मस्त PSP या फिर कहीं हाई लेवल में गेम प्ले कर रहे हैं, ग्राफिक सेटिंग्स को लेकर कोई नहीं। और HDR में भी भाई ये गेम प्ले आराम से 60 FPS दे देता है किसी भी सिनेरियो में, या 59-60 इस तरीके के FPS देता है, उससे नीचे तो मैंने एक बार भी इसे ज़्यादा देखा नहीं है। भाई इस बार टेंपल पे मस्त मैं सही जगह उतार भाई, लो भाई गन मिल गया किसी को और इधर कुछ नहीं। अरे भाई बंदा, अब क्या करूं,
सो यहाँ पर जो ग्राफिक्स देख सकते हो और उसी के बाद में यहाँ पर आपको जो शेडो वगैरह टेक्सचर वगैरह क्या सही कूल है भाई। सो यहाँ पर मेरा एक और रिव्यू देना चाहूंगा कि कहीं भी किसी भी हॉट ड्रॉप के अंदर भाई एक बार भी नहीं रोया आईफोन XR, मुझे कहीं भी नहीं रोता हुआ दिखा। सब जगह इवन अच्छे से काम कर रहा था, कहीं FS ड्रॉप नहीं कर पा रहा था आईफोन XR। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं एक सिंपल सा रिव्यू दूँ या फाइनल रिव्यू दूँ अगर आपको आईफोन XR के बारे में, तो आईफोन XR में जो A12 की बायोनिक चिप आती है भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो भाई साहब यहाँ पर इस सेटिंग में तो काफ़ी फुटेज चल रहा है, तो हम बैटरी कम ड्रेन करें, तो हम यहाँ पर बैलेंस एंड एक्सट्रीम पर अभी खेलेंगे और इनको ही फिलहाल ऑफ कर देंगे, इनकी कोई ज़रूरत नहीं हमें। एंड अभी यहाँ पर गेम प्ले करते हैं इजी तरीके से। गन नहीं मिली है किधर से, कहाँ से? अरे छोड़ दे, वो रहा सामने। वो भी डाउन कर दिया उसने। ओ भाई ये कहां से आ गए ये लोग। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात कर रहे थे सिंपल सी कि फ्यूचर में अगर वापस कभी पबजी रिटर्न आता है नई पॉलिसीज के साथ में सब कुछ सही तरीके से आता है तो क्या उस टाइम पे आईफोन XR तभी भी बेस्ट होगा। सो गाइस अगर जो ग्राफिक सेटिंग्स और मैं अभी खेल रहा था 60 FPS HDR के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी आईफोन XR के अंदर पबजी को लेकर, भाई हर जगह में अच्छा है, टच रिस्पॉन्स में अच्छा है, जायरो भी इसका काफ़ी अच्छा है, इवन मल्टी टच में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब चीज़ें अच्छी थी, सब चीज़ें मतलब कहीं कोई प्रॉब्लम तो XR के अंदर मुझे बस एक प्रॉब्लम क्या लगा कि लाइक जो नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है जिस ग्लाइड एक्सेस जो है वो आपको ऑन करना पड़ता है, उसके बाद में आपको जो नोटिफिकेशन बार है वो नीचे नहीं आता, तो ये थोड़ा सा मतलब एवरी टाइम जाके वो ऑन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ ऐसा स्विच करना हो गया, कुछ चेंजेस करने हो गए तो भाई साहब पूरा वो एक्सेस मतलब फेस अनलॉक दिखाओ फिर नीचे करो फिर जाओ अंदर, वो सब चीज़ें बहुत सारा हेडेक हो जाता है वो, तो वो थोड़ा सा अलग मतलब क्या वो थोड़ा सा अजीब शॉट है वो अलग सा XR के अंदर है, मतलब आईफोन की सब चीज़ों में वो चीज़ है। और अगर बात करें बैटरी लाइफ की तो ज़्यादा तो बैटरी लाइफ दिखने नहीं मिलती, फ़ोन वैसे ही बैटरी कैपेसिटी छोटी आती है, हर कुछ सेशन के बाद में जाके आपको चार्जिंग तो करनी पड़ेगी, लॉन्ग आवर्स तक आप इसमें गेमिंग नहीं कर पाओगे। यहाँ पर मैंने सिंपल में और फटाफट रिव्यू के हिसाब से अगर बता दूँ कि भाई आईफोन XR जब पबजी वापस आएगा और क्या हमें तब XR परचेस कर लेना चाहिए, तो A12 बायोनिक चिप काफ़ी परफेक्ट और काफ़ी सही तरीके से चलती है, सो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कुछ भी इशू नहीं आईफोन XR के अंदर।
तो अगर आपको फ्यूचर में पबजी वापस आती है तो आपको इसे परचेस करना चाहिए कि नहीं, तो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो। उसी के बाद में अगर आपको कुछ लोग बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि टैब परचेस करना चाहिए एप्पल का, तो अगर 812 बायनिक चिप है तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप आराम से परचेस कर सकते हो। और अगर 812 बायनिक चिप में इतना फास्ट चार्ज और इतने अच्छी तरीके से चलता है भाई, 60 FPS कॉन्स्टेंट दे देता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कस्टम रूम वगैरह सब में मेरे हिसाब से कहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं किया था। तो जो FPS है वो लाइक 59-60 के बीच में ही ऑलमोस्ट रहता है, कहीं नीचे भी नहीं आता हायर सेटिंग्स के अंदर भी। एंड ऑफ द वीडियो में फाइनल बात करें iPhone XR for PUBG, भाई बहुत सही पीस है, आराम से जा सकते हो जब PUBG रिटर्न आएगा तब। और इसी के साथ में मैंने OnePlus 8 Pro की भी अनबॉक्सिंग की थी और Poco M2 Pro की भी अनबॉक्सिंग करी थी, तो वो वीडियो भी आपको बहुत जल्दी देखने मिल जाएगा। सो गाइस बस इसी तरीके से चैनल पे सपोर्ट दिखाते रहना, बाकी मैं आपको मिलूंगा और भी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। सो दोस्तों आज की इस तरह की पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही।